तुम्हारी गाड़ी से। हकीम बिहारी जी, तुमने तो तुम्हारी गाड़ी से टक्कर मारी। नहीं रामा, आप जैसे सोच रहे हो, तुमने हमारे हमारी परी दादी को गुनगुन नहीं, बहुत बहुत बड़ी गलती की तुमने कुछ, बहुत बड़ी। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी गलती की है। जिस दिन तुमने मुझे पहली बार टक्कर मारी थी, उस दिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी गलती से मुझको उसे भूल नहीं जाना चाहिए था मुझे। अगर उसी दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती तो मैं तुम्हारी गलती की सजा दिलवाती ना गुनगुन। तो आज इतना बड़ा असर होता ही नहीं। गुनगुन के साथ मैंने भी गलती की, मैं भी आपके गुनहगार हूँ। राधा प्लीज शांत हो जाओ। गुनगुन ये नहीं, मिस्टर त्रिवेदी प्लीज, आज गलती से भी आप गुनगुन की साइड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आज जो कुछ भी हुआ है ना मिस्टर त्रिवेदी, उसके जिम्मेदार आप भी है। जितने की गुनगुन 7 साल पहले आपके भरोसे छोड़कर गई थी मैं गुनगुन को, मुझे ये विश्वास था कि गुनगुन अगर आपके साथ रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही सीखेगी। हर चीज जो भी करेगी हमेशा अच्छा करेगी। पर आज गुनगुन ने अच्छा नहीं गलत किया, बल्कि गलत भी नहीं गुनाह किया मिस्टर त्रिवेदी। किसी की जान लेकर आई हम, किसी को मार कर आई हम, ये है आपकी परवरिश। राधा क्या राधा, क्या राधा मिस्टर त्रिवेदी। सुबह भी मैंने आपको टोका था ना कि गुनगुन को प्लीज गाड़ी चलाने मत दीजिए, वो अंडर एज, उसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी आपने उसे गाड़ी चलानी दी क्यों? बच्चों को गलती करने से रोक पाना मम्मी पापा का धर्म होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी। सही गलत में फर्क सिखाना जिम्मेदारी होती है हमारी। गलती को गुनाह बनने से रोकना जिम्मेदारी होती है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दोनों ही एक अच्छे मम्मी पापा होने से फेल हो गए, हार गए हो, हार गए मिस्टर त्रिवेदी। क्या क्या कर दी हमारे गुनगुन ने। राधिका कहाँ गई? इधर ही थी अभी। इधर देखते हैं। गुनगुन, मुझे माफ करना, पर गलती तो तुमसे हुई है और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जो हुआ है
वो गुनाह तो है और अगर मैंने उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की ना तो वो उससे भी बड़ा गुनाह होगा और ये इतनी बड़ी बात है यू को तो सच के बारे में पता होना ही चाहिए। राधा तुम्हें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। बताना होगा मुझे मिस्टर त्रिवेदी। मैं कैसी कैसे ना बताऊं युग को युग की दादी है वो और युग की दादी के साथ जो हुआ है युग को तो पता होना ही चाहिए ना और युग को पता होना चाहिए कि युग की दादी की गुनहगार इस समय है कौन मुझे युग को बताना ही होगा राधा नहीं राधिका राधिका की आवाज यहीं से आई थी ना हाँ युग वहां देखते हैं बातें मुझे युग को बतानी ही होगी राधा प्लीज मेरी बात सुनो तो रमा प्लीज समझने की कोशिश करिए शांत हो जाइए गुनगुन मैं जानती कि तुम घबराई हुई डरी हुई पर मेरा यकीन करो गुनगुन मैं तुमसे ज्यादा डरी हुई घबराई हुई मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें युग को बताने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा पर फिर भी इकट्ठा जरूरी है खुद को क्योंकि यही सही है युग की दादी का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से इसलिए ये सारी बातें युग को बताना बहुत जरूरी है गुनगुन नहीं रामा मेरे परी दादी को नहीं मारा है गुनगुन फिर एक झूठ आप मेरा भरोसा करिए ना मैं तुम्हें भरोसा कैसे करूं मैंने खुद सुना था तुम मिस्टर त्रिवेदी से बात करी थी कि तुम्हारी गाड़ी से दादी का एक्सीडेंट हुआ था नहीं रामा ट्रस्ट मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपको मेरे बात में भरोसा नहीं है क्या ठीक है तो फिर मैं आपको प्रूव करूंगी एक मिनट जी देखिए ये फॉर्म मैंने सरगम के आने के बाद भरा था इसमें देखो सरगम का एडमिशन टाइम भी है 11 बजे इसका मतलब 11 बजे मैं यहाँ थी अब परी दादी का डेथ टाइम भी तो 11 बजे का है ना तो आप ही सोचो ना रामा 11 बजे मैं यहाँ फॉर्म फिल कर रही थी तो मैं वहां दादी का एक्सीडेंट कैसे कर सकती हूँ और डॉक्टर ने भी कहा था कि दादी के एक्सीडेंट के जस्ट बाद वो मर गए थे राधा क्या कहा था तुमने कि मैं एक अच्छे पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया ना चलो मैं बताता हूं मैं कैसा पिता हूं चलो मेरे साथ कम हॉस्पिटल छान मारा रहे राधिका का पता नहीं कहीं गई मोहन के साथ तो नहीं गई थी
फोन करके पूछता हूँ। मम्मा, राधिका को देखा है आपने? बस यूं। अब ये राधिका राधिका बोलना ना तू बंद कर। तेरे इसी जुनून की वजह से तूने दादी पर अटैक किया, वो डरकर भागी और। अरे मम्मा मैंने आप... और उनका ये हाल हुआ। तू सोच जियो, तू सोच अगर राधिका को ये तेरा सारा सच पता चल गया तो फिर कौन बताएगा राधिका? कौन बताएगा राधिका? कौन बताएगा? इसके बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता है ना, तो राधिका को कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा नहीं। मेरी प्यारी मम्मा ने अगर बताया तो मैं अपनी मम्मा को तो नहीं खोना चाहूंगा ना। अब एक मेरी प्यारी मम्मा ही तो रह गई है, बाकी सब तो मैं मम्मा को नहीं खोना चाहता।